न्यूज उत्तर प्रदेश। वहीं नोएडा में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर नोएडा प्राधिकरण अलर्ट हो गया है। प्राधिकरण ने सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए 50 से ज्यादा टैंकर लगाए जो अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव कर रहे हैं जिससे लोगों को पोल्यूशन से राहत मिल सके। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। प्राधिकरण की 14 टीमें अलग अलग इलाकों में निगरानी कर रही हैं। दूसरी तरफ ऐसे इलाके जहां पर पोल्यूशन का लेवल ज्यादा है वहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस तरीके से 50 से ज्यादा टैंकरों को नोएडा के अलग अलग इलाकों में प्राधिकरण द्वारा लगाया गया है ताकि धूल से होने वाला जो पोल्यूशन का स्तर है वो उसको कम किया जा सके। और इसी तरीके से अलग अलग सड़कों पर जो ज्यादा चलने वाली सड़कें हैं या पोल्यूशन जिन जगहों पर ज्यादा है उन इलाकों में टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरी तरफ प्रदूषण डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। कल भी 24 लाख के आसपास का जुर्माना ऐसी जगहों पर लगाया गया जहां पर नियमों की अनदेखी की जा रही थी। फिलहाल पोल्यूशन के लेवल में अभी कमी आती हुई नहीं दिख रही है। दिवाली से पहले ही जो AQI है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का तकरीबन 500 के आसपास पहुंच चुका है जो कि लोगों के सेहत के लिए बुरा प्रभाव उस पर डालता हुआ दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा।